नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन में। और आरआरपी एनटीपीसी एसएससी की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लेकर आ रहे हैं दोपहर 12 बजे ये मॉक टेस्ट। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे इस सेट में आइए। आज सेट नंबर 11 देख रहे हैं हम लोग और यहाँ से ये प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है आपके लिए, जहाँ रोज 40 प्रश्न देखते हैं जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं यहाँ पे। तो इन सभी वीडियोस को लगातार देखिए। इन सब का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और जल्दी से ज्वाइन करें ताकि यहाँ के जितने भी पीडीएफ हैं आपको शेयर किए जा सके। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट नंबर 11 और देखते हैं कि आप में से कितने छात्र हैं जो कि 40 क्वेश्चन में आज 30 क्वेश्चन का क्रॉस करते हैं। या चूंकि एनटीपीसी और एसएससी सीपीओ की एग्जामिनेशन के डेट आने वाले हैं बहुत ही जल्द, इसलिए आप लोग भी अपनी तैयारी अब जारी रखेंगे। चलिए, और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र यानी कि स्थल कौन सा है? जी हाँ, आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स लेह। जी हाँ, ये लद्दाख की राजधानी होती है लेह, याद रखेंगे दोस्तों। और लद्दाख की राजधानी करगिल भी बोली जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऐसे आंसर यहाँ पे लेह होगा, जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है भारत के इन स्थानों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। जी हाँ, हिमालय पर्वत श्रेणी सर्वाधिक ऊंचाई का दर्रा, जल्दी से आंसर करेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते रहेगा हर क्वेश्चन का। बिल्कुल, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊंचाई वाला दर्रा जो है वो है दोस्तों, जी हाँ, काराकोरम। नोट कर सकते हैं, इट्स अ सी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? बिल्कुल, अगर आपके उत्तर आ रहे हैं डी यानी कि जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है आफ्टर 370 धारा हटने के बाद, और यहाँ की राजधानी होती है दोस्तों श्रीनगर, याद रखेंगे। और आपको बता दें कि ये जवाहर सुरंग जो है NH 44 पे अवस्थित है ये, और इसका निर्माण दोस्तों किया गया था 1954 में, शुरुआत किया गया था निर्माण कार्य, लेकिन 1956 में इसका उद्घाटन किया गया इस, जी हाँ, इस जवाहर सुरंग का। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से फटाफट, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो एक बार, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको पता लग सके कि ये क्यों शुरू हो चुका है उनके एग्जाम की तैयारी में। देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय जो दक्कन के पठार हैं जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, लेकिन वो जो पहाड़ियाँ हैं उसका नाम है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, जहाँ ये दोनों घाट आपस में मिलते हैं। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। जी हाँ, आपको बता दें कि सन 1970 में, जी हाँ, नोट कर सकते हैं, ऑपरेशन फ्लड जो कि डेयरी उद्योग यानी कि दूध से संबंधित है ये, है ना, डेयरी उद्योग से संबंधित जुड़े हुए किसानों को यहाँ पे विकास और उनके सृजित विकास के लिए ये ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, और इसमें करीब करीब 700 से अधिक शहरों और नगरों में उपभोक्ताओं को जोड़ा गया। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे दोस्तों, इट्स सी, जी हाँ, दूध से। क्वेश्चन नंबर, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये दक्षिणी अंडमान में है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार का राजधानी भी होता है। अंडमान निकोबार दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश का, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा, ये सभी को शायद पता होगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें भारत की तो भारत का स्थान है 7वां, ठीक है, याद रखिएगा। और छठे स्थान पे कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है भारत से एक कदम एक पावदान ऊपर है, और उससे पहले हम बात करें तो ब्राजील है 5वें नंबर पे, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर की, तो ये है यूएसए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे 1 और 2 आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सा देश 1 पे है और कौन सा 2 पे है, ये आपकी ये टास्क है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों, भारत का स्थान 7वां है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है, कौन से देश का, जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, नोट कर लेंगे, इट्स ए, बांग्लादेश का, जी हाँ, सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है, जी हाँ, लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ जुड़ा है, तो बांग्लादेश के साथ। कितना है दोस्तों, याद है आपको, 4096,
जी हाँ किलोमीटर, चाइना के साथ कितना बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग, तो 3488 किलोमीटर। और नेपाल के साथ कितना पाकिस्तान के साथ कितना करते हैं, पाकिस्तान के साथ लिख लीजिए दोस्तों 3323, और नेपाल के साथ कितना करते हैं तो 1751। ठीक है, म्यांमार तो 1643 है ना, 43। और भूटान के साथ तो सिर्फ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ तो 106 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा अगर एरिया देखा जाए दोस्तों, जो कि हम लोग इंटरनेशनली टच करते हैं दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को, वो 15106 किलोमीटर है ना पूरा टोटल। ये क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितना किलोमीटर का है भारत का, तो लगभग 15106 किलोमीटर का। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग चलाती है? बिल्कुल आंसर करते हैं दोस्तों, यह चलती है, यह आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस, जो है सबसे लंबा चलती है। ये कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक जाती है जो कि असम में है, जी हाँ, ये करीब 4286 जी हाँ किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसके लिए ये कंप्लीट 80 घंटे 15 मिनट, 80 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। तो लंबा सफर है ये, 4886 किलोमीटर का, और सुदूर सफर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधे लाइन में है ये पूरा क्षेत्र, नहीं, ये हमारे जो क्षेत्र हैं उत्तरी भारत का क्षेत्र, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो असम है ये इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये भारत का इस क्षेत्र में आता है असम इस क्षेत्र में, और ये कन्याकुमारी यहाँ से, तो यहाँ से इस क्षेत्र तक जाने में इसको कितने घंटे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? यह मैंने कल ही बताया था, ये क्वेश्चन आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में है। भौगोलिक स्थिति हमारा भारत का यही है, ठीक है, और उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और भारत का देशांतरीय विस्तार पूछे तो बताइएगा, देशांतरीय है ना, देशांतरीय, तो यहाँ बोलिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट यह पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11, सातवाहनों का कार्यकारी भाषा क्या है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स अ सी इज द प्रकृत, नोट कर सकते हैं, प्रकृत भाषा थी। ठीक है, अब इतिहास से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अभी तक ज्योग्राफी से हम लोग देख रहे थे। चलिए, किस पाल राजा ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ डी धर्मपाल ने, नोट कर सकते हैं, जी हाँ, और याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ डी धर्मपाल ने। ठीक है, कब किया था दोस्तों, तो ये 775 से लेकर 800 ईस्वी की बात है दोस्तों, राजा धर्मपाल हुआ करता था और ये विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रतिहार राजा ने दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? चलिए आंसर कीजिए, किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? तो राजशेखर दोस्तों एक गुर्जर प्रतिहार था, वंशी था और राजा और दरबारी कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा, तो राजशेखर जो था दोस्तों, आपको बता दें कि गुर्जर प्रतिहार वंशी राजपूत राजा महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। जी हाँ, आंसर डी कर लीजिएगा, महेंद्रपाल प्रथम, ठीक है, प्रथम है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मन्या खेत अपनी राजधानी बनाई? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, जी हाँ, अमोघ वर्ष प्रथम ने बनाई थी, राष्ट्रकूट से एलोरा से मन्या खेत अपना राजधानी ले गया था। क्वेश्चन नंबर 15, बीजापुर के गोल गुंबद संसार का दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत गलियारा यानी कि विस्परिंग गलियारा जो किसने बनाया? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, बीजापुर में भारत का सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ये गुंबद है, याद रखेंगे, इट्स अ डी, मोहम्मद अदिल शाह ने बनवाया है दोस्तों, नोट कर सकते हैं इस गुंबद को, और ये दुनिया का समझिए तो सबसे बड़ा गुंबद है ये। ठीक है, चलिए, बीजापुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुकी बाबरी लिखी है? और ये लगातार कम से कम 20 वर्षों में लगातार अगर बोलें तो ये पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी, तुर्की भाषा में, क्योंकि बाबर नामा तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, तुजुके बाबरी इसका नाम है,
और मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट थे ये बाबर, जिसकी आत्मलिखित जीवनी, और यह उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई, इसको कहते हैं चगताई तुर्की में लिखी गई है इनकी भाषा, मातृभाषा थी इनकी ये जहां से आए थे। क्वेश्चन नंबर 17, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? बिल्कुल, महाराणा प्रताप मेवाड़ से थे, राजस्थान मेवाड़ से, और इन जो है विरुद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध किसने यहाँ पे सेना का नेतृत्व किया था इनके, तो राजा मान सिंह ने। बिल्कुल आंसर जिनका डी आ रहा है, उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिर गया और आंधे मुंह भी गिर के जिंदगी से चला गया? ये बहुत ही शर्मनाक एक उपाधि दी गई इनको। जी हाँ, आंसर कीजिएगा इट्स अ डी, हुमायूं, क्योंकि ये अपने जो समय काल था इनका साम्राज्य का, ठीक है, ये साम्राज्य का जो इनका समय काल था उसमें ये सबसे हार इनकी थी शेरशाह सूरी से, और ये इसके बाद यहाँ से भाग खड़े होकर ईरान चले गए थे जब वो शेरशाह सूरी ने इनको यहाँ से खदेड़ा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? ये देखिए, मोर सिंहासन जो है बहुत फेमस है दोस्तों, इसको ईरान लेकर चला गया था सब, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही फेमस है और यहाँ से क्वेश्चन इस बार जरूर बनेगा, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आंसर याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा डी, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम थे, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पुर्तगाल का प्रथम राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल याद रखेंगे, जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे इट्स अ बी, यानी कि कोचिन, याद रखेंगे। अल्बुकर्क, नोट कर सकते हैं अल्बुकर्क, ये जो कि भारत के पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और अल्बुकर्क जो है 1590 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा का छीन लिया, और जो कि आगे चलकर भारत की पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र बना था, ठीक है, और उसको बाद में राजधानी भी बनाई गई थी गोवा को, लेकिन सबसे पहली बात करें तो कोचीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाए जाते हैं, क्या नाम है उसका? जल्दी से आंसर करेंगे, इट्स अ ए, सोडियम क्लोराइड मिलाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ से दोस्तों। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक, जल्दी से आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। अब ये विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं और एग्जाम में आपके खासकर आरआरबी में और एसएससी में साइंस से जुड़े हुए प्रश्नों का वेटेज काफी अच्छा रहता है। आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी इज द राइट आंसर, जी हाँ, पेशी उत्तक जो कि सबसे अधिक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ट्रिपोनोजियमसिस रोग वाहक है, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, ट्रिपोनोसोमियासिस जो है रोग, ये किसका वाहक है? तो ये है दोस्तों फायर फ्लाई का, यानी कि जो फायर फ्लाई होती है उनके चलते ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, काला ज्वर के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिया गया, जो काला ज्वर होगा ये, ठीक है, और ये उत्तरदायी प्रोटोजोन है, तो आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, मोनोसिस्टम, नोट कर सकते हैं दोस्तों इट्स अ सी, मोनोसिस्टम, जी हाँ दोस्तों, इसके कारण काला जार जो है ये जाना जाता है, और इसका अर्थ होता है काला बुखार होना, ठीक है, बहुत तेज बुखार होती है, इसमें इंसान की जान भी जा सकती है, और ये बता दें आपको कि बहुत तेजी से फैलता है ये बुखार, और या उसमें भूख ना लगना, पीलापन होना शरीर का, और वजन में कमी हो जाना, शरीर की दुर्बलता होना, ये सारे सिस्टम इसमें जो है ये जो है देखे जाते हैं, तो ये किसका उत्तरदायी होता है? तो मोनो सिस्टम का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन निकासित होती है। देखिए जैसे इन सभी रोगों के लिए दवाएं बन चुकी हैं, उसी तरह आगे चलकर कोविड-19 के लिए भी अभी जी हाल ही में वैक्सीन बन रही है, जिसके लिए वो तैयार हो चुकी है, और ये 30 अगस्त तक बोला जा रहा है कि फाइनली इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है, शायद 15 अगस्त को ये खुशखबरी हमें मिल जाए कि भारत ने ऐसा एक वैक्सीन बना लिया है, लेकिन 30 अगस्त को फाइनली ये बोला जा रहा है इसको लॉन्च किया जाएगा।
तो याद रखेंगे दोस्तों, आंसर हो जाएगा इट्स अ सी। जी हाँ, सिंकोना के छाल से। याद रखेंगे मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन किससे निकासित होती है, किससे निकलता है, तो सिंकोना के छाल से। अगला क्वेश्चन 26, मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे, इट्स अ बी, रेगुलर कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी सीपीओ में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आज का एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27, उद्योग जो कि मधुमक्खी से संबंधित है, मधुमक्खियों के उद्योग से संबंधित को क्या कहते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, एपी कल्चर कहते हैं इसके अध्ययन को भी और इसके उद्योग को भी, ठीक है, चलिए एपी कल्चर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, मधुमक्खियों में संचारण का साधन, मधुमक्खियों में संचारण का साधन क्या है? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स अ सी, जिसको कहते हैं दोस्तों नाच, ठीक है, बी डांस कहते हैं इसको, है ना, बी डांस याद रखिएगा, ये बहुत फेमस है, ये संचारण का साधन है। और उन्होंने मतलब जो भी इसके वैज्ञानिक थे जिनकी मूवमेंट हुआ जिनके चलते, अर्नेस्ट स्पेटनाइजर उनका नाम था, ठीक है, याद रखिए स्पेटनाइजर। और ये 1788 में, याद रखिएगा 1788 में पहले बताया कि जो स्काउट मक्खियां हैं कुछ विशिष्ट प्रकार की होती हैं जिनका मूवमेंट उनके डांस पर होता है, ठीक है, और ये इसको हम लोग नाच कहते हैं, बी डांस कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने पता लगाया भी कि सूचना प्रसारण यानी कि एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं लोग इसी डांस के जरिए, ठीक है, भोजन खोजकर्ता या स्काउट कहते हैं उसको, मक्खियों के ये बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है, मधुमक्खियों के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29, टीसीटीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? बिल्कुल याद रखेंगे, इट्स ए, स्लीपिंग सिकनेस करके, यहाँ पे सोने वाली बीमारी अगर आपको होती है तो समझिएगा कि ऐसी मक्खियों के चपेट में आप आए हुए हैं। जी हाँ, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, तो जल्दी से डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि जो लगातार सोते रहते हैं और सोने के बाद उनको उठने के बाद कमजोरी फील होती है, तो ये स्लीपिंग सिकनेस का ही एक लक्षण है, जो कि इस मक्खियों के जरिए आपको, आप क्या होते हैं तो ग्रसित होते हैं, तो डॉक्टर से संपर्क जल्दी कर लीजिएगा अगर ऐसा होता है तो। काला ज्वार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो ये काला जार लिखा जाना चाहिए यहाँ पे, काला ज्वार या काला जार, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर करेंगे इट्स ए, सैंड फ्लाई मक्खियों के काटने से होता है, क्योंकि लिशुमेनिया जो होते हैं, लिशुमेनिया दोनों वाली एक परिजीवी का ये कीड़ा होता है, मक्खी होता है, ठीक है, जो कि काला जार रोग फैलाता है, इस संक्रमण में बालू मक्खी के काटने से भी फैलता है, ठीक है, सैंड फ्लाई जो लोग कहते हैं, ठीक है, बालू मक्खी, ठीक है, याद रखिएगा सैंड फ्लाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपके क्वालिटी वाले सेक्शन से है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, इस संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? बिल्कुल याद रखेंगे, ये हुआ था अमेंडमेंट 73 वाला भाग 9 में स्थित रखा गया था इसको, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसको सम्मिलित किया गया था दोस्तों पंचायत नाम से, ओके, ये आर्टिकल हमने उपयोग किया था 243 से लेकर 243 ओ तक का, ठीक है, इसमें वर्णित है ये सारी चीजें, याद रखेंगे, आंसर डी हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली से। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के 10 आचारों को क्या नाम दिया जाता है? बिल्कुल याद रखेंगे, इसको कहा जाता है इट्स अ बी, मौलिक कर्तव्य, नोट कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम आयु सीमा क्या है? और देखिए आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, और ऐसे वीडियोस के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा दोपहर 12 बजे डेली, है ना, करीब 40 क्वेश्चन का सेट आपको दिया जाएगा हर आपके टिल एग्जामिनेशन तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, जी हां, 25th ऑफ ईयर यानी कि 25 साल आयु न्यून सीमा रखी गई है लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ डी इज द राइट आंसर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है, याद रखेंगे, ये आपको मैं बता चुका हूँ 73वां संविधान संशोधन में इसको लागू किया गया था, आर्टिकल 243 के तहत ये वर्णित भी है। ओके क्वेश्चन नंबर 35,
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था किया गया है? बिल्कुल, अगर आप उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स अ सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के ऊपर याद रखेंगे। ओके, और यहाँ पे दोस्तों भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि एक तो इसमें मौलिक कर्तव्य भी हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य को फिर हटाया गया था, ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के ऊपर ये बताया गया है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। इसको भी 73 अमेंडमेंट में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता का अखंडता शब्द जो है ये भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? धर्मनिरपेक्षता और अखंडता ये शब्द जो जोड़े गए हैं ये 42वें संशोधन में किए गए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। 42वां संशोधन कब किया गया था ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों, है ना, भारत के संविधान का 42वां संशोधन कब किया गया था? जल्दी से आंसर करें आप लोग कमेंट बॉक्स में, 1976 में, जिनका उत्तर आ रहा है सही कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? बिल्कुल, याद रखेंगे दोस्तों इट्स सी, जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति की, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में, तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव करके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? बिल्कुल, आंसर करेंगे वित्त आयोग के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इट्स डी, वित्त आयोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा इट्स बी, 15 मार्च सन 1950 को, लेकिन ये अगस्त 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसकी जगह पे, योजना आयोग की जगह पे आ गया है नीति आयोग, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखेंगे, अभी कौन है तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? बिल्कुल, याद रखिएगा दोस्तों ये है इट्स अ बी, शिक्षा, और आपको बता दें कि 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची है, 8वीं जो है मतलब समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं जिसमें कि शिक्षा के बारे में चर्चा होती है, ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आप हमारे साथ यहाँ बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में या फिर अपने फेसबुक ग्रुप पे, इस वीडियो को लिंक को है जो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे शाम को 8 बजे जो कि आपके बिहार दरोगा स्पेशल क्लासेस दी जा रही हैं, और उसके बाद 9 8:45 में, 8:45 में आपको एक वीडियो शेयर किया जाता है जिसमें कि बिहार दरोगा के रिगार्डिंग ही मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी होती है, तो इस वीडियो को खासकर जरूर देखेंगे। धन्यवाद।